ओम शांति। ये महीना विशेष परम श्रद्धेय दादी प्रकाश मणि जी के लिए है। ये आज विशेष जो 4 अगस्त का दादी जी के समान बनने के लिए अव्यक्त इशारा है। आज का अव्यक्त इशारा का पॉइंट है और इस महीने का टॉपिक चल रहा है वो है विजयी रत्न बनना है तो प्रीत बुद्धि वाले बनो। विजयी रत्न बनना है तो प्रीत बुद्धि बन जाओ। तो विजय रत्न मना अष्टरत्न कहें, 108 की वैजयंती माला कहें या फिर 16108 की आत्मा कहें, जिसमें भी आपको विजयी बनना है। वास्तव में तो विजयी रत्न है ही अष्टरत्न, है ना, लेकिन 108 को भी विजयी माला बाबा बोलते हैं। तो आज का टॉपिक है प्रीत बुद्धि, अर्थात बाबा कहते हैं बुद्धि की लगन व प्रीत एक प्रियतम सदा सदा प्रियतम के साथ सदा लगी हुई हो। जैसे परम श्रद्धेय जो है दादी प्रकाश मणि जी अपनी बुद्धि की लगन एक सच्चा प्रियतम शिव बाबा से सदा लगा कर रखी, ऐसे ही यदि हम सभी ब्रह्मा वत्सों को दादी के समान फरिश्ता बनना है तो बाबा कहते एक बाबा के साथ तुम्हारी प्रीत लगी हुई हो। जब एक के साथ सदा प्रीत है तो अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभवों के साथ प्रीत तुम्हारी जुट नहीं सकती है। भगवान उवाच, यदि एक के साथ तुम्हारी प्रीत जुट गई है तो अन्य किसी के साथ जुट नहीं सकती, क्योंकि प्रीत बुद्धि अर्थात सदा बाप दादा की अपने सम्मुख अनुभव करने वाली। प्रीत बुद्धि अर्थात सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करने वाली, ये है स्टेटमेंट प्रीत बुद्धि वालों का, ये है निशानी प्रीत बुद्धि वाले बच्चों का। तो हम सभी ब्रह्मवत्स बाबा से इस वरदानी मास में, अगस्त का महीना, बाबा का पवित्र मास सावन भी चल रहा है और दादी प्रकाश मणि जैसे महान पवित्र आत्मा का यादगार महीने भी है, क्योंकि दादी समान पवित्र जितना दादी प्रकाश मणि जी पवित्र बने बाबा कहते उतना और कोई के भी पवित्रता नहीं था। यूँ तो अष्टरत्न दादी गुलजार जी, दादी प्रकाश मणि जी बहुत पवित्र आत्माएं थी, बाबा बोले जुट नहीं सकते ऐसा अनुभव। ऐसे सम्मुख रहने वाले कभी भी बाबा से विमुख नहीं हो सकते हैं। तो सारा दिन इस स्वमान का अभ्यास करेंगे, मैं सदा प्रीत बुद्धि वाली आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।